नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। माफिया मुख्तार अंसारी के मामले में बांदा जेल प्रशासन का बड़ा बयान सामने आया है। इस बयान में मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब होने के बारे में जानकारी दी गई है। जेल प्रशासन के मुताबिक मुख्तार रात में शौचालय में गिर गया था। उसका इलाज जो है जेल के डॉक्टरों द्वारा किया गया था, फिर बाद में उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। सूत्रों की माने तो मुख्तार का इलाज मेडिकल कॉलेज के ICU में चल रहा है। मेडिकल कॉलेज की ओर से जारी मुख्तार अंसारी की हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार जो है मुख्तार अंसारी, जिसकी उम्र 62 वर्ष बताई गई है और 26 मार्च की सुबह RDDMC बांदा में पेट में दर्द, 4-5 दिनों तक मल त्यागने में असमर्थता और पेट फूलने की शिकायत के साथ भर्ती कराया गया। मरीज को भर्ती करने के बाद इलाज शुरू कर दिया गया है। मरीज की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। बांदा जेल प्रशासन ने कहा कि बंदी मुख्तार अंसारी की तबीयत रात में अचानक खराब हो जाने से रात्रि में शौचालय में गिर जाने के कारण हुई और तभी डॉक्टरों ने तत्काल उनका इलाज किया। जिला प्रशासन को अवगत कराकर डॉक्टर्स की टीम बुलाई गई, जिसके द्वारा बंदी को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। रात्रि में ही बंदी को पुलिस सुरक्षा में मेडिकल कॉलेज बांदा भर्ती करा दिया गया, जहां बंदी का उपचार हो रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी बीते तीन दिनों से यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से परेशान था और उसे रात में 1 बजे मुख्तार अंसारी को जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। डॉक्टर्स ने शुरुआती जांच के बाद सर्जरी रिकमेंड की थी और जिसके बाद मुख्तार को सर्जिकल जो है इंटरवेंशन के लिए ICU में शिफ्ट कर दिया गया। इससे पहले मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया था कि उसे जेल में स्लो पॉइजन दिया गया है। 21 मार्च को जब बाराबंकी की MP MLA कोर्ट में चर्चित एम्बुलेंस मामले में मुख्तार अंसारी की जो है पेशी थी, तो उसके वकील ने कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था कि 19 मार्च की रात में मुझे खाने में जो है विषैला पदार्थ दिया गया, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। ऐसा लग रहा था कि मेरा दम निकल जाएगा। और बता दें कि आगे जो है उनके वकील कहते हैं कि और बहुत घबराहट हो रही है, कृपया मेरा सही से डॉक्टरों की टीम बनाकर इलाज जो है करवा दी जानी चाहिए। आगे जो है इस रिपोर्ट में कहा गया कि 40 दिन पहले भी मुझे जो है विषैला पदार्थ मिलाकर दिया गया था। इसके बाद कोर्ट ने मुख्तार के चेकअप के लिए 2 डॉक्टरों की जो है टीम बनाई और जेल में भेजी। उसके बाद इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि उन्होंने बांदा रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में सूचना के लिए फ़ोन किया था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर होने की वजह से उनसे संपर्क नहीं किया। बता दें कि अफजाल अंसारी ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में फ़ोन करने का मकसद जो है यह गुजारिश करना था कि बांदा मेडिकल कॉलेज में अगर उपचार की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो तो मुख्तार को लखनऊ के मेदांता अस्पताल या किसी अन्य बड़े जो है अस्पताल में भर्ती करवा दी जानी चाहिए, और अगर सरकार इलाज का खर्च नहीं उठा सकती तो परिजन यह खर्च जो है वहन कर उठाने के लिए मतलब तैयार हैं। मालूम हो कि मऊ से कई बार विधायक रह चुके मुख्तार अंसारी को विभिन्न मामलों में सजा सुनाई गई है और वह इस जो है वक्त बांदा की जेल में जो है भर्ती है। वहीं मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी सपा के टिकट पर गाजीपुर लोकसभा सीट से जो है प्रत्याशी हैं। अफजाल अभी भी बसपा के टिकट पर सांसद हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।